अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 4.8 का थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। एनुअल सैलरी ऑफ अ पर्सन इज ₹14,75,000। कैलकुलेट द एनुअल इनकम टैक्स व्हेन टैक्स रेट इज 12.5%, ठीक है। सेम एज इट इज़, जैसे बाकी क्वेश्चन चल रहे हैं, सेकेंड वाला क्वेश्चन हमने किया था, सेम एज इट इज़ वैसे ही है। अब क्या लिखा जाएगा, एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन, ठीक है। इनकम ऑफ अ पर्सन क्या है, 14,75,000, ठीक है। एक्स एम्प्टीड टैक्स कितना आएगा हमारे पास, एक्सेप्टेड इनकम इज इक्वल क्या आएगा वहाँ पे हमारे पास, क्या हमारे पास रेट क्या 12.5 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास आएगा 14 लाख, ठीक है। ये एक्सेप्टेड इनकम जो हमने वहाँ पे देखी है वो क्या है 12.5% व्यू से, ये है ये हमारे पास। अब हमने इसका टैक्सेबल इनकम निकालनी है, इनकम टोटल अमाउंट में से हमने ये वैल्यू करनी है माइनस, ठीक है। जब हमने इस टोटल वैल्यू में से ये अमाउंट हमने माइनस कर लिया तो हमारे पास क्या आएगा, 75,000, ठीक है। 75,000 आ गया। अब हमने इसका टैक्स रेट निकालना है, क्या आएगा यहाँ पे, इनकम क्या लिखेंगे, इनकम टैक्स एट द रेट 12.5%, ठीक है। 12.5%, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या आएगा, 75,000। यहाँ पे क्या आ गया, अब हमने इसका पॉइंट ओपन किया यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट ओपन किया, मल्टीप्लाई 75,000 ओवर क्या आ गया, 100, ठीक। अब हमने करना है 125 को हमने मल्टीप्लाई करना है 75,000 के साथ, तो हमारे पास क्या आया, 93,75,000, 93,75,000 ओवर क्या आ गया, 1,000। 30 की 30 से कटिंग हो गई, यहाँ पे हमारे पास बाकी क्या बचा, 9,375, ठीक है, 9,375। अब हमने इसका निकाला टोटल इनकम टैक्स इज इक्वल हमारे पास क्या आया, अब हमने देखना है जो 12.5 के साथ उसने प्लस एडिंग वैल्यू दी हुई है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एडिंग जो वैल्यू है वो हमारे पास है 82,500 प्लस 9,375, ठीक है। टोटल अमाउंट के साथ उसने जो हमें ये वैल्यू दी हुई है इनकम टैक्स में पे करने की वैल्यू, वो क्या है, 82,500 प्लस 9,375, ठीक है। जब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लेना है तो हमारे पास क्या आएगा, 91,875, ये हमारे पास होगा जो हमने टैक्स पे करना है, वो इस वैल्यू पे पूरी अमाउंट को जो हमने टोटल करके से जो टैक्स रेट निकाला वो ये है जो हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन कम्प्लीट। स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4, चैप्टर नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 4.8। कैलकुलेट इनकम टैक्स ऑफ अ पर्सन हुज एनुअल इनकम इज 16,50,000, द रेट ऑफ टैक्स इज 15%, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सेम एज इट इज, बाकी क्वेश्चन जैसे हमने किए हैं वैसे ही है। क्या लिखा जाएगा, इनकम ऑफ अ पर्सन, इनकम ऑफ अ पर्सन क्या है, 16,50,000,
ठीक है 60,50,000। अब हमने देखना है एक्स एम्प्टीड क्या निकलेगी, एक्स एम्प्टीड इनकम टेबल जो उसने हमें दिया हुआ है उसमें आपने देखना 15% के साथ उसने क्या दिया हुआ है हमें, एक्स एग्जिटिंग पॉइंट दिया हुआ उसने 1,15,00,000 दिया हुआ उसने, ठीक है एक्सेप्टेड वैल्यू इनकम जो है वो कितनी दी 15,00,000, ठीक है। अब हमने इसकी टैक्सेबल इनकम निकालनी है, कितना हमें इस वैल्यू पे इस अमाउंट पे टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है 5,00,000 - 15,00,000, ठीक है। अब हमने इस टोटल वैल्यू में से 15,00,000 जब माइनस करना है तो हमारे पास क्या बचेगा 1,50,000, ठीक है ये हमारे पास आ गया 1,50,000। अब हमने इसका रेट निकालना है, इनकम टैक्स एट द रेट 15% पर, 15% मल्टीप्लाई 1,50,000, ठीक है क्या आएगा 15/100 मल्टीप्लाई 15 के साथ इस पूरी वैल्यू को हमने क्या करना है मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 15 को पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें या इसको यहीं पे ही ख़त्म कर दें तो हमारे पास क्या आएगा 20 से कटिंग कर दें, 15 को 1,500 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया 22,500, ठीक है 22,500। अब हमने इसकी टोटल अमाउंट निकालनी है, टोटल इनकम टैक्स 15% के साथ उसने एक आपको वैल्यू प्लस एडिंग भी दी होगी, ठीक है वो उसने हमें क्या दी हुई है 15% के साथ उसने हमें दिया हुआ 95,000, ठीक है टेबल में देखें आप उसमें आपको 95,000 मिलेगा, ठीक है किसके साथ 15% के साथ जो उसमें फॉल कर रही होगी, ठीक है प्लस क्या आएगा 22,500। इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो हमारे पास आएगा वो इसका पूरा अमाउंट की टैक्स पेमेंट आ जाएगी, ठीक है हमारे पास क्या है इसको ऐड करने के बाद 1,75,000, 11,75,000, ठीक है क्या आएगा हमारे पास 1,75,500, ठीक है ये हमारा हो गया 4 क्वेश्चन कंप्लीट, इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अगर आपको स्टूडेंट्स हमारी वीडियो अच्छी लगती है इसको आपने लाइक करना है, शेयर करना है, शेयर करने के साथ सब्सक्राइब लाजमी करना है, सब्सक्राइब करने के साथ आपने बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको